Hi everyone, welcome to my channel. So this video is going to be a very very interesting video. I believe you all must have read the title, and yes, this video is not any clickbait video. You need not do architecture, मतलब तुम्हें 5 साल की degree लेना ज़रूरी नहीं है in order to practice architecture or architectural services. And ये बात जो है वो सच है. Most of you तुम्हें पता होना चाहिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को पता नहीं भी होगा. तो जिनको भी नहीं पता है उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए दैट टू प्रैक्टिस आर्किटेक्चरल सर्विसेज यू नीड नॉट हैव एन आर्किटेक्चरल डिग्री. दिस वॉज रूल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर ऑन 17th of March कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यू नो इन अदर प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर एंड लॉयर यू कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री. बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ आर्किटेक्चर. यू कैन प्रोवाइड आर्किटेक्चरल सर्विसेज एंड दिस इज बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड टू परफॉर्म आर्किटेक्चरल सर्विसेज बिकॉज आर्किटेक्चर हैज अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्रोवाइड द सर्विसेज विच यू कैन प्रोवाइड इंक्लूडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सुपरविजन डिजाइनिंग एंड मच मोर राइट. सो एनी पर्सन कैन नॉट बी डिनाइड टू परफॉर्म सच सर्विसेज एज पर सुप्रीम कोर्ट. पहले इस चीज पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था बिफोर लास्ट ईयर दैट आर्किटेक्ट सिर्फ अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट नहीं लगा सकते या फिर वो आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर सकते. तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है दैट यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एन आर्किटेक्ट लाइक यू कैन नॉट एड द प्रीफिक्स AR और आर्किटेक्ट इन फ्रंट ऑफ योर नेम बट यू कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर में भी बच्चे फर्म खोलते हैं अपने प्रैक्टिसेस करते हैं बट दे आर नॉट येट आर्किटेक्ट्स राइट. सो येस यू कैन ओपन योर ओन फर्म एंड परफॉर्म योर ओन प्रैक्टिसेस इफ यू हैव द एक्सपीरियंस एंड यू थिंक दैट यू कैन प्रोवाइड द आर्किटेक्चरल सर्विसेज. तो जब ये पता चला था ये रूल तो काफ़ी लोगों ने अपोज भी किया था, काफ़ी आर्किटेक्ट्स ने एंड COA ने भी अपोज किया था दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस शुड नॉट बी लाइक दैट लाइक ओनली द पीपल हु हैव डन देयर BR 5-year कोर्स डिग्री दे शुड बी एलिजिबल टू परफॉर्म एंड गिव आर्किटेक्चरल सर्विसेज. बट ऐसा माना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एंड कहीं ना कहीं ये सही भी है बिकॉज व्हेन वी स्टडी आर्किटेक्चर वी हैव डन 5 years ऑफ कोर्स लाइक द पीपल हु हैव डन आर्किटेक्चर फॉर 5 years स्टडीड आर्किटेक्चर फॉर 5 years. तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं बट दे ऑल्सो स्टडी अ लॉट ऑफ थियोरिटिकल थिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस आर्किटेक्चर. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्सपीरियंस. येस येस इट इज़ मोस्टली अबाउट द एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आर्किटेक्चर बट ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो सो मेनी थियोरिटिकल थिंग्स सो मेनी सब्जेक्ट्स सो मेनी थिंग्स विच यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट. सो कहीं ना कहीं दिस इज इंपॉर्टेंट एंड क्योंकि ये अलाउड है आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस होना तो येस यू कैन से पुअर प्रैक्टिसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग बिकॉज येस सम पीपल कैन बी देयर जो कि बहुत एक्सपीरियंसड हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ डिग्री दे हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. ठीक है ऐसा भी हो सकता है बिकॉज एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सिखा देता है किसी भी इंसान को. बट ऑन दी अदर हैंड देयर कैन बी सम पीपल जिनको सिर्फ दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मनी मेकिंग दे डोंट नो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस दैट प्रॉपरली एंड दैट मच इन डेप्थ एंड उसकी वजह से द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग कैन बी कॉम्प्रोमाइज एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी कॉम्प्रोमाइज. तो इस बारे में आई वोंट गिव मच ऑफ द कॉमेंट. आई वुड वॉन्ट कि ऑल ऑफ यू प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो जिनको भी ये पता था और पता नहीं भी था तो प्लीज़ अपने थाट्स कॉमेंट करके बताना दैट वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस रूल एंड या ये चेंज होना चाहिए या फिर ये ठीक है. तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना. इट विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन टू सी. सो गाइस बेसिकली द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू इनलाइटन यू अबाउट just think that how many people other than all the passing architects every year are providing architectural services. So you can think about the competition कि कितने सारे लोग हैं जो कि architectural services provide कर रहे हैं and जिनके पास degree नहीं भी है वो भी कर रहे हैं right. So you can just imagine the immense amount of competition which is out there in the market. तो सिर्फ डिग्री लेने से कुछ भी नहीं होने वाला. इफ़ यू थिंक कि मैंने सिर्फ 5 years की डिग्री कर ली है तो मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, बहुत पैसे कमाने लगूंगा, इट्स नॉट अबाउट दैट. व्हाट यू आर स्टडीइंग हाउ मच स्किल्स यू आर डेवलपिंग इन दिस कोर्स ऑफ 5 years दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट डजंट मैटर दैट मच दैट फ्रॉम विच कॉलेज यू आर डू यू हैव अ डिग्री और नॉट. इवन अब तो ये भी है तुम्हारे पास डिग्री नहीं भी हो तो भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. सो फाइनली यू कैन थिंक ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्स विच यू आर हैविंग. इट ऑल
depends on which kind of, how much skills you are having, how much of a skilled person, how much of a skilled architect you are in order to provide services, good services and earn more money. तो इस वजह से सब लोग अपने please अपने skills पे ध्यान दो. जिनका अच्छे college में हुआ है, गुड, यू आर गेटिंग अ ब्राउनी पॉइंट, दैट्स फॉर श्योर. बट जिनका अच्छे कॉलेज में नहीं भी हुआ है, सो डोंट थिंक एट ऑल कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड और डीमोरलाइज दैट यू वोंट बी एबल टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट. बिकॉज जब बिना डिग्री के भी लोग एक्सेल कर सकते हैं और इतने अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, तो तुम आर्किटेक्चर की डिग्री लेके तो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन ही सकते हो. बट इट ऑल कम्स डाउन अगेन टू वन थिंग, विच इज स्किल्स. So guys, if you're planning to give architecture entrance examinations in 2022, so SSCC is providing free classes for architecture entrance aspirants of 2022. The link for joining these demo classes is given in the description box below, so don't forget to join. Thank you guys for watching this video. I hope you liked and learned something new from this video. I will see you again in my next video. Bye everyone.